बैठे हमारे सभी साथीगण दूर दराज से आए हुए इस संघर्ष में सभी हमारे नौजवान भाइयों, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आप सब लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष में साथ देने का काम किया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और आप लोग सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ी विरोधी है, संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। जो सदियों सदियों से जो पहले जो वन व्यवस्था जो कायम थी, ये चाहते हैं कि फिर से वही व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मिटा करके ये लोग चाहते हैं कि नागपुरिया कानून, जो इनके बाबा गोवलकर ने जो किताब लिखने का काम किया था बंच ऑफ थॉट्स का, उस किताब को संविधान की जगह पे लागू किया जाए। हम उनको निकम्बी सरकार को, जो संविधान विरोधी, जो आरक्षण विरोधी, उनको हम चेता देना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आप हमसे मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण को समीक्षा करके समाप्त कर देना चाहिए। आज हम आप लोगों के बीच आए, आज भी आप लोगों से अपील करने आए हैं कि अब आप लोग जागने का काम कीजिए। ये हम लोग सब्र का, हम लोगों का इम्तिहान लेने का काम कर रहे हैं। और जो भी सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर बहुसंख्यक अगर जग जाएगा तो अंजाम बुरा होगा। आप लोग जान रहे हैं कि 13-पॉइंट रोस्टर जिस प्रकार से लागू किया गया है, ये इनका मंसूबा है कि किसी भी प्रकार से जो पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, वो लोग प्रोफेसर ना बन पाए, वो लोग शिक्षक ना बन पाए। ये पूरी तरीके से इनकी जो वन व्यवस्था है, जो छुआछूत भेदभाव, ये लोग चाहते हैं कि कोई हमारा पिछड़ा कलर का, दलित कलर का आगे ना बढ़ पाए और फिर से जिस प्रकार से गुलामी करता था उसी प्रकार से गुलामी इनका करने का काम करे। आप लोग सब लोग जिस प्रकार से आपने देखा होगा 10% आरक्षण लाने का काम किया, कहा जाता है कि स्वर्ण गरीबों के लिए आरक्षण लाने का काम किया गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो महीने में 66,666 रुपए कमाता है, सालाना 8,00,000 रुपए कमाने का काम करता है, क्या वो गरीब है क्या? आप बताओ, जिसके पास 5 एकड़ जमीन हो क्या वो गरीब है क्या? पूरी तरीके से बिना कोई सर्वे के, बिना कोई कमीशन के, बिना कोई व्यवस्था के, इन लोगों ने आनंद स्वानंद में मात्र 72 घंटे में इन लोगों ने आरक्षण लाने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि गरीब जो है स्वर्ण में भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन ये आरक्षण जो है ये कोई आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। और हमारी मांग है, अगर आपने 50% का बैरियर तोड़ने का काम किया है, जब 50% का बैरियर टूट गया है तो जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसी हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल कमीशन बैठी थी, 52% आरक्षण की बात की गई थी, आज भी आप लोग देख लीजिएगा जो 27% आरक्षण है उसको भी नहीं भरने का काम किया गया। हमको नहीं लगता कि 10% भी भरने का काम किया गया होगा। और आप लोग जो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये पिछड़ों को या दलितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज 2019 हो चुका है, 1931 से 2019 तक आप समझ जाइए कि दलितों की, पिछड़ों की आबादी कितनी बड़ी है। हमारी मांग ये है कि फिर से जाति जनगणना होकर के, नया सिरे से जनगणना होकर के, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और तत्काल जो 52% जो आरक्षण देने की बात है वो मिल जाना चाहिए। इसका 13-पॉइंट रोस्टर को लेकर के हम
समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारी लाइट माइंडेड पार्टियां हैं उन सबसे हम लोग मिलजुल करके बात करने का काम करेंगे। और हमारी मनोज झा जी है, सांसद है, पार्लियामेंट में इसका कड़ा विरोध करने का काम करेंगे और ये मांग करेंगे कि ऑर्डिनेंस ला करके जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करने का काम किया जाए। ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हम हमारी जो सहयोग पड़ेगी, जो मदद पड़ेगा, चाहे पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए गोली भी खानी पड़े तो उसमें हम पीछे नहीं हटने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं, इस आंदोलन को हम लोग बस यही चाहते हैं, हम लोग सीट की परवाह नहीं कर रहे, वोट की परवाह नहीं कर रहे कि हमें एक सीट आए ना आए, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे, आपके हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, बिहार में हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, इस आंदोलन को बिहार भर में हम लोग घूमने का काम करेंगे और इनको समर्थवादियों को, मनुवादियों को सबक सिखाने की जरूरत है। और आप सब लोगों से यही पूछना चाहते हैं, जब तक मोदी जी भाजपा नहीं भागेगी तब तक जो आप लोगों का सपना है, जो अधूरा सपना है, बाबा जगदेव जी ने कहा करते थे कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाने का काम करेगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। इसलिए आप इन मनुवादियों से, इन भाजपाइयों से, इन आरएसएस वाले लोगों से आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। लालू जी के आज जेल में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने मनुवादियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने का काम किया, लड़ाई लड़ने की काम किया, कुछ लिए लालू जी को इन लोगों ने जेल में बंद करने का काम किया है। आज हम लोगों पे भी मुकदमा है, अखिलेश जी के भी पीछे पड़ गए हैं और अभी सुनने में आया है कि मायावती जी के पीछे भी पड़े हुए हैं, ईडी के छापे चल रहे हैं, अभी ईडी के छापे चल रहे हैं। बता देना चाहते हैं मोदी जी, बहुसंख्यकों के साथ छेड़छाड़ मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। इसलिए ये जो आपने हथकंडा अपनाने का काम किया है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको जिस प्रकार से आप अपनी राजनीति में फायदे के लिए आप हाईजैक करके रखे हो, अपने विरोधियों के पीछे लगाने का काम किए हो, पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किए हैं, आपने संविधान को बर्बाद करने का काम किया है, संस्थानों को बर्बाद करने का काम किया है, ये जो है देश हित में नहीं है। इसलिए अगर देश बचाना है तो आप लोगों को मिलकर के भाजपा को भगाना पड़ेगा इस देश से। तो क्या आप लोग इसको भगाने का काम करेंगे नहीं करेंगे? हाथ उठा करके बोले भाजपा भगाना, देश बचाओ। इसलिए ज्यादा समय नहीं, आप सब लोगों को पूरा हम दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।